बाबर आजम ने बनाए थे 79 रन्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी पारी थी जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान मैच जीत गया था। इस पे इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है वो हम देखने वाले। लेट्स स्टार्ट हियर, वी गो। टीम इंडिया को जीत का बनाना होगा तगड़ा प्लान। भारत को इस पाक प्लेयर से होगी टेंशन। कप्तान रोहित और कोच द्रविड़ को निकालना होगा इसका तोड़। T20 वर्ल्ड कप के महासंग्राम में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर के मुकाबले से करेगी। ये मुकाबला बहुत ही हाई वोल्टेज होने वाला है क्योंकि दो सबसे बड़े चिर प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे। भारत के लिए सबसे पहली चुनौती पाकिस्तान ही है। ऐसे में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहुंच चुकी है और पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर वाले मुकाबले की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वहीं टीम इंडिया को एक पाकिस्तानी प्लेयर से अलर्ट रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। ये खिलाड़ी बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहा है। इस खिलाड़ी के लिए कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ को अलग से प्लान तैयार करना होगा। ये वो बल्लेबाज है जिसने पिछले साल भी भारत को जख्म दिया है। फिर चमका बाबर का बल्ला, टीवी टीम के खिलाफ बोला हल्ला, जैसा ठोक किया शक्ति परीक्षण। वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में लौटे बाबर। कौन है भाई ये? इन दिनों वर्ल्ड क्रिकेट में दो ही नाम छाए हैं, एक विराट और दूसरा बाबर। विराट ज्यो ज्यो रिकॉर्ड बना रहे हैं, बाबर उन रिकॉर्ड का मजबूती से पीछा करते जा रहे हैं। या इसे ऐसे कहें कि विराट की राह पर बाबर मजबूती से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही फिर बाबर ने कर दिखाया जब ट्रायंगल सीरीज में कीवी टीम को आड़े हाथों लेते हुए जड़ दिया शानदार शतक। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 53 गेंदों में नाबाद 79 रन की पारी खेली 11 चौकों के सहारे। लेकिन इस पारी में जो सबसे खास बात रही वो है बाबर का स्ट्राइक रेट। हमेशा अपने स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से आलोचकों के निशाने पर रहने वाले बाबर आजम ने 149 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और मैच खत्म कर वापस लौटे। बाबर आजम ने फिर खेली तूफानी पारी, देखती रह गई दुनिया सारी, लगा दिया रनों का अंबार, पाकिस्तान में आ गई बहार। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम इन दिनों न्यूजीलैंड में ट्राई नेशन सीरीज खेल रही है और स्ट्रैंगुलर सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई और पाकिस्तान को जीत दिलाई। और इस पारी के साथ ही बाबर आजम ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और विराट कोहली की बराबरी भी कर ली। बाबर आजम का आया तूफान मैदान पर मचा दिया घमासान। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इस मैच में बाबर आजम ने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई और इसके साथ ही उनकी इस दमदार पारी के लिए उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। और बाबर का रन बनाना पाकिस्तान के लिए इसलिए राहत की खबर है क्योंकि एशिया कप में बाबर के बल्ले ने जैसी खामोशी ओढ़ी थी उसने पाकिस्तान को डरा दिया था। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बाबर के बल्ले से आए अर्धशतक ने पूरे पाकिस्तान को राहत दी होगी। साथ ही उम्मीद जगाई होगी कि इंडिया के खिलाफ 23 अक्टूबर को बराबरी की टक्कर हो सकती है, वरना बिना बाबर के बल्ले के कोहराम के पाकिस्तान का भारत के खिलाफ लड़ पाना और ठहर पाना मुश्किल था। खैर, अब आएगा मजा क्योंकि दुश्मन फॉर्म में और विराट भी, लिहाजा 23 अक्टूबर को वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म पर बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जंग में कौन होगा बेस्ट देखना दिलचस्प होगा। और सबसे खास बात यह है कि इस हाफ सेंचुरी के साथ बाबर आजम ने एक के बाद एक कई धांसू रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने जैसे ही यह हाफ सेंचुरी लगाई तो T20 इंटरनेशनल में यह उनका 28वां अर्धशतक रहा और इसके साथ ही उन्होंने विराट कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बाबर आजम की यह पारी खास क्यों रही? दरअसल बाबर आजम की इस पारी से न्यूजीलैंड में जाकर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मात दे दी। और सबसे खास बात यह है कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग की थी और उन्होंने 20 ओवर में बनाए थे 147 रन। पाकिस्तान को 148 रनों की जरूरत थी और बाबर आजम ने एक तूफानी पारी खेली। बाबर आजम ने सिर्फ और सिर्फ 53 गेंदों का सामना किया और इन 53 गेंदों में उन्होंने बना दिए 89 रन और उन्होंने इस पारी के दौरान 11 चौके भी लगाए। आप देख सकते हैं उनका स्ट्राइक रेट कितना शानदार रहा और उनकी इस धांसू पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। वैसे अगर हम देखें तो पाकिस्तान की ये जीत खास इसलिए भी है क्योंकि न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड को हराना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की टीम ये कर रही है और अभी तक पाकिस्तान की टीम ने इस ट्रायंगुलर सीरीज में दो मुकाबले खेले हैं। पहला खेला था बांग्लादेश के खिलाफ और दूसरा अब खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ और दोनों में ही पाकिस्तान की टीम को जीत मिली है। तो ये न सिर्फ बाबर आजम के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिहाज से भी अच्छी बात है कि बाबर आजम रन बना रहे हैं, रंग में आ रहे हैं और पाकिस्तान को जीत दिला रहे हैं। और इस धांसू पारी के साथ ही बाबर आजम ने विराट कोहली की बराबरी भी कर ली है और खेल जगत में इन दोनों खिलाड़ियों की तुलना होती है।
बाबर आजम को पाकिस्तान का विराट कोहली कहा जाता है, और अब बाबर आजम जो है वो विराट कोहली की तरह रन भी बना रहे हैं, रिकॉर्ड भी बना रहे हैं और अपनी टीम को जीत भी दिला रहे हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बाबर आजम का आया मैदान पर तूफान, उन्होंने मचा दिया घमासान। न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर के बल्ले से निकली इस तेज तर्रार पारी की एक और खासियत है, वो है सबसे ज्यादा 50 जड़ने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में बाबर के टॉप 2 में एंट्री की। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी बाबर के टेस्ट करियर की 28वीं अर्धशतकीय पारी थी, और वो T20 में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में रोहित के साथ दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए हैं, जिन्हें 28 अर्धशतक और 2 शतकों के दम पर 30 बार 50 प्लस का स्कोर बना। काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन था इंडियन मीडिया का, मतलब ओवरऑल देख के ही लग रहा है कि हाँ भाई टीम इंडिया को भी मेहनत करना पड़ेगी पाकिस्तान से जीतने के लिए। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में घुस के हराना जो है बहुत बड़ी बात है, और न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है यार, अगर खासतौर पर T20 की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है यार, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, और एक तरफा हराना यार ये बहुत बड़ी बात है। हाँ यार, वो भी उनके घर में घुस के यार, घर में एक तरफा उनकी होम कंडीशंस का उनको पूरा नॉलेज होता है, पूरा सब कुछ पता होता है पिच कैसे बिहेव करेगी, वहां पर जाके हराना। और वहां बाबर आजम खेल ऐसे रहे थे जैसे किसी बच्चों के सामने खेल रहे, मतलब इतने इजीली उनके शॉट पड़ रहे थे, कोई मिस नहीं हो रहा था। न्यूजीलैंड की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है, ट्रेंट बोल्ट टीम साउदी, उनको वो इतनी बहुत ही आसानी से खेल रहे थे और बड़ी आसानी से गैप निकाल रहे थे। और दूसरे मैचों के मुकाबले अगर आज का मैच, ये वाला जो मैच देखा जाए, तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट स्टार्टिंग से ही अच्छा रहता है। जब भी बाबर आजम कोई बड़ी पारी खेलते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेलते हैं, बाद में उनका स्ट्राइक रेट ऊपर आता है। लेकिन इस मैच के अंदर जब उन्होंने बैटिंग करना स्टार्ट की तो उनको स्टार्टिंग से ही वो फ्लो मिला हुआ था, स्टार्टिंग से ही 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे वो। और इस जो सीरीज़, ये जो सीरीज़ है त्रिकोणीय सीरीज, इसमें जो है न्यूजीलैंड बांग्लादेश का भी मैच हो चुका है जिसमें न्यूजीलैंड जीत चुका है। अब नेक्स्ट मैच शायद फिर से पाकिस्तान न्यूजीलैंड का ही होने वाला है, या पाकिस्तान बांग्लादेश का हो सकता है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का शायद कल मैच है मॉर्निंग में, पता और वो शायद फिर फाइनल होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक मैच पाकिस्तान 2 मैच जीत चुकी है, एक न्यूजीलैंड जीत चुकी है, तो बांग्लादेश तो बाहर ही हो गई ना सीरीज से, शायद देखते हैं वो पता चलेगा। आई डोंट नो, आप बताना इस मैच का किस तरह का जो सेटअप है वो है, नेक्स्ट मैच किसका है और कितने मैच बचे हैं, या नेक्स्ट मैच ही फाइनल है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। और मैच शायद कल है, आज कल है मैच, कल ही है तो वो भी देखेंगे। और कल इंडिया का मैच था जिसमें इंडिया ने भी साउथ अफ्रीका को बड़ी इजीली हरा दिया, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की जबरदस्त पार्टनरशिप की बदौलत बिल्कुल टीम इंडिया भी जीत चुका है। अब थर्ड जो मैच होगा वो डिसाइडर होगा कि सीरीज कौन जीतता है। बिल्कुल, एक साउथ अफ्रीका जीत गई, एक इंडिया जीत गई, अब तीसरा मैच डिसाइड करेगा सीरीज कौन जीतता है। वीडियो चले गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।